मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इस जंग में फिलहाल सबसे आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह है। हाल ही में उज्जैन में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हे भगवान, हे महाकाल, कांग्रेस में अब कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा मत करना, जिसके बाद सिंधिया समर्थक मंत्री दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गए थे। पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह के पाकिस्तान में पैदा होने की बात कही। इसके बाद अब जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कोरोना है। कोरोना की उत्पत्ति चीन में हुई थी, इसीलिए कांग्रेस के इस कोरोना पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी चीन में ही जन्म लेना चाहिए। अब इन्हीं बयानों को लेकर पत्रकारों ने दिग्विजय सिंह से जवाब मांगा। तब दिग्विजय सिंह ने हंसते हुए कहा, ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना मैं चीन जाऊंगा, मैं इनकी छाती पर ही मूंग दलता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे तो हंसी आती है कि इनके पास मेरे खिलाफ कहने को कुछ है ही नहीं। ना मेरे पास ईडी भेज सकते हैं, ना सीबीआई भेज सकते हैं। उनके पास जब कुछ नहीं बचा तो यही कहने लगे कि पाकिस्तान में जन्म लो, चाइना चले जाओ।